सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ओप्पो के A54 डिवाइस के अंदर आप जो है नोटिफिकेशन लाइट कैसे लगा सकते हैं। जो इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन लाइट होती है उसे आप लगा सकते हैं, जिसे हम बॉर्डर लाइट भी बोलते हैं। डिस्प्ले के बॉर्डर में आपको कलरफुल लाइट ब्लिंक करती है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर कॉल आती है तो आप उसे लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स तो नहीं मिलती, लेकिन आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है एडज लाइटिंग एंड एडज कलर नोटिफिकेशन। और ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी लंबे रिजल्ट के बाद मिलेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन मैंने 11, 12, 10, 9 सब में वर्क करता है, तो मैंने सब में ट्राई करा है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। वैसे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, अगर कोई और एप्लीकेशन आपको लगती है जेन्युइन तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से भी कर सकते हो, लिंक वहाँ पर भी मिल जाएगा। हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास कुछ इसके अंदर गाइज एड्स वगैरह भी आती हैं, तो नो डाउट एड्स देखने को मिलती है, तो आप एड्स को स्किप कर लेना। इसके बाद मैं इसका यूज इंटरफेस दिखाता हूँ कैसे। देखो एड्स आ रही हैं, तो हम इस एड्स को पहले यहाँ पर स्किप कर लेते हैं, इसके बाद मैं प्रॉपर इसका डेमो दिखाता हूँ। स्किप करते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, पहले ऑप्शन को चूज करना है, अलाउ करेंगे फोन कॉल्स को, यहाँ पर एक परमिशन देनी होगी, इस परमिशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और हमें यहाँ पर आके अपने उस ऐप को चूज करना है। नेवर वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, ऑलवेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। ओप्पो के फोनों में इस तरीके का ऑप्शन होता है अलवेज सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद बैक आएंगे। अब देखो लाइटिंग ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन हमें इसे इनकमिंग कॉल पर चाहिए, ऐप्स के नोटिफिकेशन पर चाहिए, तो उसके लिए इनकमिंग कॉल्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ से हम अलाउ करेंगे इसके नोटिफिकेशन को, तो टोटल एक्सेस कर देंगे, अलाउ करेंगे, इसके बाद बैक आएंगे। अब लाइट ब्लिंक करेगी, अब यहाँ पर हमें स्क्रीन ऑफ हो या ऑन हो तब भी काम करे, इसको सेकंड वाले ऑप्शन को इनेबल करना। अब एप्लीकेशंस के भी नोटिफिकेशन पर चाहिए तो इसको ऑन करिए। अब देख लीजिए जिस भी ऐप पे कॉल होती है तो उस ऐप को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अगर आप फेसबुक पे कोई कॉल कर रहे हैं तो उस पर भी लगा सकते हैं, गिवन गाइस किसी भी एप्लीकेशन के साथ आप कर सकते हो उसके नोटिफिकेशन पर, तो आप उस तरह के सेलेक्ट करके यहाँ पर बैक आना। एडवांस का एक सेटिंग्स मिलेगा, इसके अंदर आपको लाइट के दो इफेक्ट मिल जाएंगे। फ्लशिंग का स्टाइल ये है, इस तरह से ब्लिंक करेगा गैलेक्सी में, आपको इस तरह से ब्लिंक करेगा। मैं पर्सनली गैलेक्सी यूज़ करता हूँ, ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर लगता है लाइट प्रॉपर दिख नहीं रही है तो आप इसको फुल कर दीजिए। अगर अभी आप देख सकते हो मेरे कॉर्नर कॉर्नर में लाइटिंग हमारी कटी हुई है, तो इसको प्रॉपर लार्ज कर दीजिए ताकि ये राउंड शेप में हो जाए हमारे स्क्रीन के। यहाँ पर एक मिक्स कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसको आप ऑन करेंगे, इसके अंदर मिक्स कलर कर सकते हैं, कलर्स आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज आउट भी कर सकते हैं। और ड्यूरेशन इसका बहुत कम होता है, ड्यूरेशन को आप मैं रिकमेंड करूँगा 10 सेकंड कर लीजिए। इसके बाद जैसे ड्यूरेशन 10 सेकंड करेंगे और स्पीड आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जितना करना चाहे, थिकनेस आप ऐसे ही रहने दें, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके के यूज़ करना ये वाली एप्लीकेशंस, और ऐसे आप लगा सकते हो, और ये आपको जो भी इनकमिंग कॉल्स वगैरह आएगी उस पर लाइट आपको दिखाई देगी। सो ऐसे ही यूज़ करना नोटिफिकेशन लाइट का। उम्मीद करते हैं गाइस समझोगे कैसे यूज़ करना है, फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।